क्लॉक्स के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली ऑन द एमएसपी 4:30 के बेस पे गाइस आपके बारे में जान जाते हैं। मुझे लगता है गाइस आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस लेट्स स्टार्ट द एमएसपी 4:30 टाइमर्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस ऑन द टाइमर्स के टाइमर्स होते क्या है, ठीक है। तो टाइमर्स बेसिकली जो है टाइमर हार्डवेयर इज अ कंट्रोल इज फंडामेंटल अ काउंटर ड्राइवर बाई इंटरनल बाई एक्सटर्नल क्लॉक सिग्नल। दिस काउंटर कैन बी अप एंड डाउन काउंटर, ठीक है। अप एंड डाउन काउंटर जो है बेसिकली हमारी जो क्लॉक है उसको काउंट करने के लिए होता है। बेसिकली काउंटर जो है दो टाइप्स के होते हैं, अप एंड डाउन, ठीक है। एक्सटर्नली क्लॉक के थ्रू हम अपने काउंटर से टाइमर से इसको काउंट करते हैं, ठीक है। बेसिकली अब हम ये जानेंगे टाइमर्स और कंट्रोलर्स में काउंटर्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। टाइमर जनरली हैव अ काउंट रजिस्टर विद द साइज ऑफ 8 to 16 bit, ठीक है। जो काउंटर होता है, ठीक है, काउंटर रजिस्टर उसका जो साइज होता है 8 to 16 bit होता है, ठीक है। 8 bit टाइमर कैपेबल फॉर होल्डिंग द वैल्यू ऑफ 0 to 225, ठीक है। 0 to 225 की तक की वैल्यू उसको वो अपने साथ कैपेबल है, ठीक है। एंड 16 bit टाइमर कैपेबल द वैल्यू ऑफ 0 to 65535, ठीक है। 0 to 65535 तक की वैल्यू को वो कैपेबल है, हैंडलिंग कैपेबिलिटी उसकी ये, ठीक है। अब बात करते हैं द टाइमर हार्डवेयर कंटेन्स काउंटर सर्किटरी, ठीक है। टाइमर जो होता है उसके पास क्या होता है, उसके पास काउंटर सर्किटरी होती है, ठीक है। विद अ काउंटर फॉर एन फिक्स क्लॉक, ठीक है। काउंटर के पास क्या होती है, फिक्स क्लॉक होती है, ठीक है। बेसिकली हम टाइमर हार्डवेयर की बात कर रहे थे। टाइमर हार्डवेयर जो होता है उसके पास काउंटर सर्किटरी होती है, ठीक है, जो एक फिक्स क्लॉक असाइन हुई भी होती है उस पर, ठीक है। इट्स अ कॉल्ड एज अ टाइमर, ठीक है, जिसको हम टाइमर कहते हैं, ठीक है। काउंटर के पास अगर फिक्स क्लॉक है तो हम उसे टाइमर बोलेंगे, ठीक है। काउंटर के पास अगर फिक्स क्लॉक है तो हम उसे टाइमर बोलेंगे। द नेक्स्ट इज इफ द सर्किट काउंट फॉर एम एक्सटर्नल सॉरी द इंटरनल क्लॉक ऑलवेज कॉन्फिगर टू ए फिक्स क्लॉक। इफ द सर्किट काउंट फॉर एम एक्सटर्नल नॉन पीरियोडिक क्लॉक सिग्नल देन इट इज कॉल्ड एज काउंटर, ठीक है। बेसिकली अभी तक हमने क्या जाना, टाइमर जो है वो बेसिकली फिक्स क्लॉक को काउंट करता है, तो वो टाइमर है। अब बात करते हैं जब एक्सटर्नली क्लॉक हम प्रोवाइड करेंगे, एक्सटर्नली क्लॉक, ठीक है, वो भी नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक मींस नॉन पीरियोडिक, जैसे कि ये क्लॉक है, ठीक है, अच्छे से बनाने के लिए ब्लैक से बना दो। ये क्लॉक है, अप डाउन अप डाउन अप, ओके। ये एक सर्टेन टाइम के बाद अपने रिपीटेशन कर रही है, ठीक है। रिपीटेशन कर रही है तो बेसिकली ये पीरियोडिक सिग्नल है। हम इसे पीरियोडिक सिग्नल बोलेंगे, ठीक है। पीरियोडिक सिग्नल वो सिग्नल जो अपने एक कांस्टेंट टाइम के बाद रिपीट करे, उस सिग्नल को हम पीरियोडिक सिग्नल कहते हैं। और नॉन पीरियोडिक सिग्नल, नॉन पीरियोडिक सिग्नल कुछ इस टाइप का होगा। नॉन पीरियोडिक सिग्नल भी बना लेते हैं, ठीक है। हम उसकी वैल्यू को पता नहीं कर सकते कि कब बढ़ रही है, ठीक, कब बढ़ रही है। तो ये नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, ठीक। ये नॉन पीरियोडिक सिग्नल क्यों है, क्योंकि कोई सर्टेन टाइम कांस्टेंट तो है कि कब ये रिपीटेड हो रहा है, तो इसलिए ये नॉन पीरियोडिक क्लॉक सिग्नल, ठीक है। बेसिकली जो सर्किट है वो काउंट करेगा एम एक्सटर्नल नॉन पीरियोडिक क्लॉक सिग्नल को, देन इट्स आल्सो कॉल्ड एज काउंटर। बेसिकली काउंटर क्या है, जो हम एक्सटर्नली क्लॉक प्रोवाइड कराते हैं अपने सिस्टम को, और वो नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स होते हैं, और उन नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स को वो काउंट करे तो उसे हम काउंटर कहेंगे, ठीक है। और टाइमर क्या है, टाइमर हैविंग अ फिक्स क्लॉक सिग्नल। फिक्स क्लॉक सिग्नल यानी कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी फिक्स होगी, क्योंकि अननोन सिग्नल तो है नहीं, वो फिक्स है, ठीक है। तो टाइमर और काउंटर में ये डिफरेंस होता है। टाइमर फॉर फिक्स क्लॉक सिग्नल एंड अ काउंटर इज नॉन पीरियोडिक एक्सटर्नली सिग्नल, ओके। तो ये डिफरेंस था काउंटर एंड टाइमर में, ठीक है गाइस। तो अब हम बात करेंगे, ये तो बेसिकली एक इंट्रो था जिसमें हमने बात करी टाइमर एंड काउंटर की। अब बात करेंगे टाइमर ए टाइमर बी बेस्ड ऑन द एमएसपी 430 के बेसिस पे
हम बात करेंगे टाइमर ए एंड टाइमर बी की, और उनकी रजिस्टर्स के बारे में भी जानेंगे, टाइमर ए में कौन सी रजिस्टर्स होती हैं और टाइमर बी में कौन कौन सी रजिस्टर्स होती हैं। ठीक है गाइस, तो आप ऐसा कीजिए, इसका एक स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ठीक है, ओके गाइस, मैं आपसे कुछ ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपको ये जो लैंग्वेज है ये थोड़ी हार्ड लगती हो तो मुझे बता दीजिए, हम इससे भी हल्की लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, ये लैंग्वेज इतनी टफ नहीं है कि आप इसे याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब हम आगे बात करेंगे टाइम ठीक है बाय।